नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी शिव न्यूज। मैं हूं आपके साथ यश के मौर। उम्मीद है कि आप सब पूरी तरह फिट और स्वस्थ होंगे। खबर आ रही सिंगवेरपुर ब्लॉक क्षेत्र से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम सभा अंधियारी के पंचायत भवन प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फाफामऊ विधायक गुरुप्रसाद मौर्य ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संकल्प यात्रा की यह वैन मोदी की गारंटी है। सभी योजनाएं अंतिम छोर के लोगों तक पहुंच रही हैं। मुख्य अतिथि ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। विधायक ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील किया। कार्यक्रम में बड़ौदा यूपी बैंक शाखा अंधियारी, पशु विभाग समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर संबंधित योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। विद्यालय की छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंत में विधायक गुरुप्रसाद मौर्य ने गोद भराई और अन्नप्राशन की रस्म पूरी की। इस मौके पर डॉक्टर रमापति त्रिपाठी, सुरेंद्र मिश्र, अभिषेक भट्ट, डॉक्टर राज कुशवाहा, गोलू राजा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद सेवन न्यूज। आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे और बच्चियां जब अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, यही कल अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे, यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के वैज्ञानिक बनेंगे। और जब बनेंगे, स्वस्थ होंगे, सशक्त होंगे, निपुण होंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नवनिहाल स्वस्थ हो, सशक्त हो, निपुण। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के हर अभिभावक के खाते में 1200 रुपए देने का काम सरकार करती है। क्यों करती है? शाम को इसके लिए नहीं करती, वो बच्चों के लिए किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, मोजा और पेंसिल खरीदने के लिए सरकार देने का काम करती है। इतना ही नहीं, हमारे कोटेदार यहां होंगे, उनको दोपहर में भोजन की व्यवस्था सरकार करने का काम करती है। अगर बच्चा घर से खा के 10 बजे 7 बजे आए, उसको दोपहर में भूख लगे, तो मिड डे मील की व्यवस्था भी, जो कुपोषित बच्चे वो स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर स्वस्थ नहीं है तो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए दोपहर में अगर विद्यालय में उनको 6 घंटे रहना है, दोपहर में उनको भोजन भी देने का काम सरकार कर रही है। अगर इसके बाद भी बच्चे नहीं करते, विकसित भारत में यही मतलब है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही मतलब है।